नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेश के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर हमारी डिस्कशन रहेगी फ्री स्टडी इन जर्मनी की अपडेशंस के बारे में। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेन इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 7 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिन रीज़न के कारण बहुत सारे बच्चों के केसेस जर्मनी के रिफ्यूज़ हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे अभी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जिनकी फाइलें डिले हो रही हैं काफ़ी लंबे समय से एम्बेसीज़ के अंदर। जब उनका रिफ्यूज़ल्स आ जाता है, उन्होंने भी हमें कॉन्टैक्ट किया है। जब वो भी हमें कॉन्टैक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम प्रॉपर जो भी फाइल होती है उसकी हम प्रॉपर स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद जो चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने व्यूवर्स तक लेकर आएँ। और हमारे चैनल के ऊपर ऑलवेज आपको फैक्ट मिलेगा, ट्रुथ मिलेगा, और कोशिश करते हैं व्हाट्सएवर जो भी केस हमारे पास आए उसको हम सच्चाई बताकर ही अपने पास रजिस्टर्ड करें। ये नहीं है कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं भी बनती, आपसे हमने रजिस्ट्रेशन के पैसे कमाने हैं तो अभी इसका केस रजिस्टर्ड कर लो, कोई बात नहीं, इसने हमसे नहीं तो उस कंपनी से तो अप्लाई करना था, ऐसी हमारी बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। सबसे पहले अभी जर्मन के अंदर क्या है कि मेजोरिटी ऑफ 90% जो कंसल्टेंट हैं मार्केट के अंदर, वो बच्चों के वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन अप्लाई करते हैं, चाहे बैचलर चाहे मास्टर, इन दो प्रोग्राम इन दो फील्ड के अंदर। तो जो मैक्सिमम एडमिशन जो हमारे बच्चों के हैं इंडिया के अंदर या अनदर कंट्रीज़ के अंदर, मैं उनका डाटा बताऊंगा, 70-80% इन यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो रहा है। सबसे पहले जो बहुत ही फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है BSVI, तो इस वो बहुत ही फेमस है, उसमें मैक्सिमम जो कंसल्टेंट है बच्चों का एडमिशन डालते हैं वो। और जितनी भी जो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बताऊंगा, अगर यहाँ पर आप गलती से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं कि मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आना है, तो वो ऐसे आपके पीछे पड़ जाते हैं जैसे आप किसी एजेंट के ऑफिस में जाते हैं, इमिग्रेशन के ऑफिस में जाते हैं, तो जब आपका वो नंबर रिकॉर्ड में रख लेते हैं तो दे कॉल पे कॉल करते हैं आपको कि आज ये रजिस्टर करिए। और आज की डेट में यूनिवर्सिटी का भी मतलब सिमिलर जैसा हाल ही है, दे फ़ोन दे मेल। अब जब तक आप उनको 1000 से 2000 यूरो ट्रांसफ़र नहीं करते तब तक वो आपको बड़ी मीठी मीठी पे बातें करते हैं, रजिस्टर करते हैं। मैं ये नहीं करता कि इनके वीज़ाज नहीं आते, इनके भी वीज़ाज आते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक चीज़ है, वो कौन बता सकता, जो टेक्निकल है। तो हम क्यों अवॉइड करते हैं उसके पीछे भी बहुत बिग रीज़न है। तो पहले मैं बता दूं, जैसे BSFI आर्डन है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे, आर्डन भी एक वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसी तरीके से SRH करके यूनिवर्सिटी है, इसी तरीके यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है वहाँ पर, इसी चीज़ में गिस्मा है वहाँ पर, यहाँ पर बच्चे अपना एडमिशन अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से IU यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, मुनिक बिजनेस स्कूल है। ये जो मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए हैं, दीज आर द मतलब फेमस प्राइवेट कॉलेजेस, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मैक्सिमम अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ टेक द प्रॉपर प्रिकॉशंस, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, वो कॉम्प्लिकेशन वाले भी हमें संपर्क करते हैं यहाँ से, जिन बच्चों का एडमिशन आ जाता है, वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, उसके बाद क्या है। तो प्लीज़ जो भी आपने करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड करना है, किसी गलत कंसल्टेंट के चक्रों में आकर अपने कैरियर टाइम ख़राब नहीं करना है। तो क्राउन इमिग्रेशन की स्पेशलाइजेशन ये है कि हमारा अपना रिकॉर्ड है वो हम 99% वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में केस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये है कि कोई फीस नहीं जा रही वहाँ पे, विदाउट एनी बॉदरेशन बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, कल लेट भी हो रहा है, डिले भी हो रहा है, तो ये तो नहीं है कि वहाँ पे फीस भी फंसा कर बैठा हुआ कि यार आई नहीं है, वो भेज रहे हैं, कर रहे हैं, व्हाट्स एवर है। दूसरा, हम मेन रीज़न के ऊपर आते हैं कि वो कौन से हमें अभी ये रीजंस मिले हैं जिसमें मेजोरिटी ऑफ केसेस रिफ्यूज़ हुए हैं। अगर आप जर्मनी का पिछला डाटा उठाकर देखते हैं 2 साल पहले का, तो जर्मन गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दे आर वेरी वेरी लिनियट, और मैक्सिमम वीज़ा सक्सेस रेट था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, दे आर नॉट बॉदर्ड कि आपके परसेंटेज क्या हैं, आपका स्टडी गैप क्या है, आपको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आता, आपका कहीं भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया हुआ है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो दे आर गिविंग द वीज़ा विदाउट एनी इंटरव्यू। तो इवन दे आर नॉट बॉदर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते थे। मैं क्योंकि हम तो इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से हैं, बट 2 साल पहले से मैं बात कर रहा हूँ, आज की डेट में यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ रिजेक्शंस मिल रही हैं वो कौन से स्टूडेंट्स को हैं जिनकी वीक प्रोफाइल है, परसेंटेज कम है और बिग गैप है। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न
क्योंकि मैंने फिर बता दिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे आर नॉट बॉदर्ड, इवन दे आर गिविंग द एडमिशंस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आपके एमओआई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लेटर के ऊपर। बट आज की डेट में जो हमारी जर्मन एम्बेसी है दे आर चेकिंग कि बच्चे की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है, दे आर कॉलिंग टू द कैंडिडेट, दे आर कॉलिंग टू द स्टूडेंट्स, दे आर चेकिंग देयर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बाय टेकिंग ए स्काइप इंटरव्यू। तो उसके बाद भी दे आर रिफ्यूजिंग द वीजा बाय मेंशनिंग दिस थिंग कि बच्चे को तो इंग्लिश ही नहीं आती। दिस इज द अनदर रीजन, गैप वाला भी बता दिया, वीक प्रोफाइल वाला भी बता दिया, लेस परसेंटेज वाला भी बता दिया, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने तो दे ही देने हैं, आपके 45% भी है, कंसल्टेंट वो है जो 45% वाले का वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करता है, 45 नहीं तो 55 वाले का ही करा दे, 60 वाले का ही करवा दे वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, वो नहीं करवा पाएगा क्योंकि उन्होंने भी फ्री स्टडी करना है, वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग कि बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है फ्री स्टडी के लिए, तो इसको मैं चेक तो करूँ रिकॉर्ड सारा। तो उनका ये दो रीज़न बता दिए मैंने, एक तो आपकी इंग्लिश और दूसरा ये है अगर आपकी कल इंटरव्यू आती है, इंटरव्यू में अगर आप प्रॉपरली इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाते, दिस इज़ द टू रीज़न। तो दूसरा, आपका जो प्रोग्राम है आप उस प्रोग्राम में अप्लाई कर देते हैं जो वहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं है, दिस इज़ द आल्सो अनदर रीज़न, ये भी रीज़न रिफ्यूज़ल लेटर में मुझे देखने को मिले हैं कुछ बच्चों के। और फिर बता दिया सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑफ कोर्स कि वो वहाँ की यूनिवर्सिटी ने या वहाँ की गवर्नमेंट ने उस कोर्स को रिकॉग्नाइज भी किया है, दिस इज़ अनदर रीज़न। और मुझे अभी एक उस यूनिवर्सिटी का नाम मैं भूल गया, एक या डेढ़ साल पहले उस यूनिवर्सिटी को उन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया था जर्मन गवर्नमेंट ने, उसके कारण भी बच्चों के रिफ्यूज़ किए हैं जर्मन गवर्नमेंट ने मैंशन करके कि ये यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज नहीं है, दैट रीज़न वी आर नॉट गिविंग द वीज़ा। वो यूनिवर्सिटी का मैं नाम भूल गया, लेकिन मेरी बहुत सारी वीडियो जर्मन की तो उसमें आप देखेंगे तो मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम भी बोला हुआ है। तो इसी तरीके से फेक डॉक्यूमेंट आज की डेट में मेरे पास डेली 2-4 कॉल ऐसी आती हैं कि सर मैंने 10वीं की थी, प्लस 2 की थी, मेरे कंसल्टेंट ने मुझे डिग्री बना दी बैचलर की, मेरी फलाना डिग्री आईलेट्स बना दिया, तो उसके साथ उन्होंने मेरा वो कहते जर्मन एम्बेसी चेक नहीं करती, उसके साथ मेरा वो जर्मन का वीज़ा अप्लाई किया है, तो क्या लगता है? तो वहाँ पर भी ऐसे केसेस रिफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि जर्मन एम्बेसी अपनी डॉक्यूमेंट भी चेक करती हैं। हाँ, ऐसा है कि एक आधा केस बीच में निकल जाए लकीली, वो लकीली है, अदरवाइज दे आर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। और अभी आप क्या कर रहे हैं, एक तो गलती कर रहे हैं क्या फेक डॉक्यूमेंट लेकर, और उस पर से आप एम्बेसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतनी बड़ी कंट्री को बेवकूफ़ बना रहे हैं फेक डॉक्यूमेंट से वीज़ा लेने, इट इज़ अ वेरी बिग क्राइम और फेक डॉक्यूमेंट से वीज़ा लेना, तो ये क्या है कि इट इज़ वेरी डेंजरस, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। उसमें सिर्फ आप फंसेंगे, आपका कंसल्टेंट नहीं फंसेगा, आप वीज़ा किसको मिलना था, आपको मिलना था, नॉट ए योर कंसल्टेंट को, उसने कहा मुझे क्या मालूम इसने बनाकर लगाए हुए हैं, एक तो आपने पैसे दिए फेक डॉक्यूमेंट बनाकर, दूसरा आपने वहाँ से अपना वीज़ा रिफ्यूज़ कर लिया, और तीसरा क्या है कि वो तो कंट्री अच्छी है, वो तो एम्बेसी अच्छी है जर्मन एम्बेसी, जो कि आपका वहाँ का आपका केस वहाँ की जो दिल्ली पुलिस को नहीं दे देती कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, ये फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। फेक एकेडमिक होगी, फेक IELTS और फेक आपका एडमिशन लेटर, इवन एडमिशन लेटर तक फेक, वो कौन से, जैसे वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एक 2-3 एजेंसीज है वहाँ की, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा इस वीडियो में, उन्होंने आपका एडमिशन वहाँ के लैंग्वेज स्कूल में करवा दिया, जो उसका कंडीशनल लेटर साथ में लगाया था किसी यूनिवर्सिटी का, फेक लगा दिया कि इसने ये लैंग्वेज करने के बाद ये जो मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री है इस कॉलेज के अंदर आके करनी, वो भी फेक, और इवन ब्लॉग्ड अकाउंट तक के फेक है, ये इस टाइप की जो रिफ्यूजल्स मुझे देखने को मिल रही हैं, और बहुत सारे केस दैट रीज़न डिलेइंग हो रहे हैं काफ़ी समय से, उनको 6-6, 3-3, 8-8 महीने लग रहे हैं। अभी उसके पीछे क्या है, एक की गलती के कारण जो बेचारा इनोसेंट स्टूडेंट है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, वो भी सफर हो रहा है, मींस जो बच्चों ने रियली वहाँ पढ़ने के लिए जाना है, 6.5 बैंड है, पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन्स आई हुई हैं, वो भी सफरिंग कर रहे हैं आज की डेट में, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बट वो बच्चे कंपिटेंट रहते हैं, वो दे फोन पे फोन मैसेज को दे मेल पे मेल लिखकर पूछ लेते हैं कि सर अभी मुझे बताइए, क्योंकि उनके कंसल्टेंट अच्छे हैं हमारी कंपनी जैसे, हमें मालूम है अगर आप राइट है तो हम फाइट करके भी आपका वीज़ा लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो लास्टली यही रिक्वेस्ट है कि इस टाइप की जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, 100 कंट्री से कॉन इमिग्रेशन डील करती हैं, 100 कंट्री का नॉलेज रखते हैं, जब भी कोई न्यू अपडेशंस आती हैं कोशिश करते हैं हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालें, और मैं डेली 1 या 2 वीडियोस अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालता रहता हूं। तो अगर आप इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली देखना चाहते हो तो आप इमीडिएटली कॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।